नमस्कार दोस्तों, हिंदी वाले सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि घनानंद के बारे में। घनानंद का जो चैप्टर है वो 12वीं क्लास की सरयू नामक किताब में दिया गया है, जो कि हिंदी साहित्य की किताब है। दोस्तों, पाठ शुरू करें उससे पहले बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में जो बेल आइकन बना है उसे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि समय रहते आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कविता पढ़ें उससे पहले आपको बता दूं कि घनानंद का कवि परिचय क्या है, कौन है घनानंद। घनानंद रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं और ये रीतिकाल की रीतिमुक्त परंपरा से आते हैं, यानी कि सीधे तौर पे इस रीतिमुक्त परंपरा को स्वच्छंद परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। तो घनानंद स्वच्छंद कवि हैं, मुगल दरबार में रहते थे और उस समय मुगल शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि अपनी लंपट प्रवृत्तियों के कारण रंगीला नाम से ख्यात थे उस समय, मतलब कि इस नाम से भी उन्हें पुकारा जाता था। और इन्हीं के दरबार में सुजान नाम की एक नर्तकी रहा करती थी, जो नाच गान किया करती थी। सुजान और घनानंद को आपस में प्रेम था और सुजान सागर और सुजान संबोधन की अगर बात माने, इन दो ग्रंथों की बात माने, तो ये जो बात मैं बता रहा हूं ये पूरी बात उस इन दोनों ग्रंथों में भी लिखी हुई है। इस ग्रंथ के अनुसार सुजान एक नर्तकी थी जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नाच गान किया करती थी। इसी को घनानंद की प्रेमिका के तौर पे, इसको घनानंद की प्रेमिका के तौर पे इस इन दो ग्रंथों में दिखाया गया है। तो कहते हैं कि घनानंद सुजान से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और इसी का फायदा इनके साथ के जो दरबारी कवि थे उन्होंने उठाया, क्योंकि घनानंद से इनके राज दरबारी कवि जो इसके साथ रहते थे वो बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे, क्योंकि घनानंद की प्रतिभा अपने आप में श्रेष्ठ थी उस दरबार में। तो घनानंद को वहां से निकलवाने के लिए इन्होंने क्या प्रयत्न किया कि एक बार दरबार लगा हुआ था और मोहम्मद शाह बैठे थे दरबार में, घनानंद ने अपनी कविता जैसे ही समाप्त की तो साथ ही जो कवि थे इनके दरबार में उन्होंने कहा कि घनानंद सिर्फ कविता ही नहीं करते, वो गायन भी अच्छा कर लेते हैं। और ये बात, गायन का ज्ञान है घनानंद को, ये बात उन्होंने अपने छंदों में भी इसको साबित किया है कि उन्हें कितना अच्छा संगीत का भी ज्ञान था। तो जैसे ही ये बात कही मोहम्मद शाह ने कहा ठीक है, आज हमारे लिए भी गाइए। तो घनानंद ने इनके लिए कोई गीत नहीं गाया, कोई पद नहीं गाया। तो साथी कवियों ने कहा कि अगर यही बात सुजान बोल दे अपने मुंह से तो घनानंद अभी गाने लग जाएंगे। मोहम्मद शाह ने सुजान को बुलवाया और उनसे कहलवाया। जैसे ही सुजान ने घनानंद को गाने के लिए कहा, घनानंद एक पद गाते हैं वहां पर और कहते हैं कि पूरा का पूरा मुगल दरबार भाव विभोर हो जाता है और भाव विभोर होकर घनानंद के पद में खो जाते हैं। अब जैसे ही ये पद समाप्त होता है मोहम्मद शाह ने वाहवाही की घनानंद की इस नई प्रतिभा की, लेकिन उन्हें गुस्सा भी आया कि जब बादशाह कह रहा है तो बादशाह के कहने से इस आदमी ने गीत नहीं गाया, इस आदमी ने किसी प्रकार का कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी और एक सामान्य सी, अति सामान्य, सामान्य से भी नीची एक नर्तकी के कहने पर इस आदमी ने वो काम कर दिखाया जो बादशाह होते हुए मेरे कहने पर नहीं किया, और इस कारण वो दरबार से निकाल दिए जाते हैं। जब दरबार से जा रहे हैं घनानंद तो इन्होंने अपनी प्रेमिका को भी कहा कि आप भी साथ चलिए, लेकिन सुजान ने जाने से मना कर दिया, सुजान घनानंद के साथ नहीं गई। अब घनानंद वहां से चले जाते हैं वृंदावन और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद घनानंद यहीं रहकर वैष्णव भक्ति में कविताएं करते हैं और कृष्ण भक्ति में, वैष्णव भक्ति मतलब कृष्ण भक्ति ही है, भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है कृष्ण को, और वैष्णव भक्ति की कविताएं करते हुए यहीं कुछ दिनों तक रहते हैं और फिर बाद में ये आ जाते हैं मथुरा। मथुरा में आने के बाद ऐसा कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था
और इस आक्रमण के समय किसी ने बता दिया था कि यहाँ जो मुगल दरबार के मोहम्मद शाह जो है उनका मीर मुंशी रहता है। हालांकि मीर मुंशी के पद पर थे पहले, लेकिन बाद में निकाल दिए गए, बहिष्कृत कर दिए गए दरबार से, तो इनके पास कोई पद नहीं रहा। लेकिन किसी ने मजाक में ऐसा कह दिया कि यहाँ मुगल दरबार के मीर मुंशी रहते हैं, आप उनसे कुछ मांगिए। और इसके सैनिक जो थे नादिर शाह के, वो गए घनानंद के पास और उनसे कहा कि हमें जर दो। जर का मतलब समझते हैं आप, जर यानी धन दौलत। तो घनानंद के पास कोई जर दौलत कुछ था नहीं, जर दौलत धन कुछ नहीं था। घनानंद तो बेचारे वहां रहकर भक्ति किया करते थे। तो घनानंद ने अपनी दोनों मुट्ठियों में रज उठाई, रज यानी धूल। उन्होंने कहा तुम बार बार जर जर क्या कर रहे हो, ये लीजिए ये रज लो। जैसे ही ये रज दी घनानंद को, उन्होंने उनके हाथ काट दिए और घनानंद ने कहा कि मुझे इतने टुकड़ों में बांटो कि बस मैं दर्द की पराकाष्ठा तक पहुंच जाऊं। और कहा जाता है कि ऐसे समय में ही अंतिम छंद लिखा घनानंद ने, वो भी सुजान को संबोधित करते हुए। कुछ लोग ये मानते हैं और ये अब प्रमाणिक हो गया है। अब जो प्रमाणिक है ना वो ये है, ये पूर्णतः प्रमाणिक हो गया है कि घनानंद की मृत्यु अहमद शाह द्वितीय के आक्रमण के समय हुई थी। और ये आक्रमण भी कहाँ हुआ था, ये भी मथुरा में ही हुआ था, ये भी ध्यान रखिए, ये भी मथुरा में ही हुआ आक्रमण था। लेकिन पहले ऐसा माना जाता था कि ये नादिर शाह के आक्रमण के समय घनानंद की मृत्यु हुई थी, लेकिन असल में अब नए शोध के हिसाब से अहमद शाह द्वितीय के आक्रमण के समय घनानंद की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी रचनाएं घनानंद ने रीतिकाल में लिखी? घनानंद अब जानते ही हैं रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल में भी स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। स्वच्छंद यानी कि मुक्त। इन्होंने लगभग 40-41 ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली बल्ली, कृपाकांड, इश्कलता, प्रेम पत्रिका, सुजान विनोद, वियोग वेली और प्रेम पत्रिका दो बार आ गया है। चलिए ये 9-10 ग्रंथ है घनानंद के जो बहुत प्रसिद्ध है। इनमें से भी कुछ एक ग्रंथ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जैसे सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वल्ली और इश्कलता, सुजान विनोद, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। घनानंद के बारे में बहुत सारे कवियों ने बहुत सारी टीकाएँ लिखी है, बहुत सारी टिप्पणियाँ की है। उन सबसे कुछ सार इस प्रकार है कि घनानंद प्रेम की मस्ती और वियोग श्रृंगार के कवि हैं। इन्होंने ज्यादातर वियोग का वर्णन किया है, प्रेम की पीर के कवि हैं। ये प्रेम की पीर के कवि हैं घनानंद। शुक्ल इनके बारे में एक महत्वपूर्ण कथन कहते हैं, ये प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक है तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला कवि है जिसके समान ब्रज भाषा में कोई दूसरा कवि हुआ ही नहीं है। यानी कि प्रेम मार्ग का प्रवीण और धीर पथिक शुक्ल ने किसे कहा है, घनानंद को। जबादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कवि, ये भी घनानंद को ही कहा गया है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट कथन है, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि घनानंद किराए के आंसुओं से नहीं रोते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये कथन किसका है, किसने कहा था घनानंद के बारे में ऐसा कि घनानंद किराए के आंसुओं से नहीं रोते हैं? अब अगर उनके काव्य को देखा जाए तो घनानंद ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग अपने काव्य में प्रमुखता से किया है। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं और इनके बारे में इनके पहले प्रशस्तिकार ब्रजनाथ ने लिखा है, समुझे कविता घनानंद की ही आँखें नेह की पीर तकी। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन थे घनानंद के बारे में जो आपको विशेषतः ध्यान रखने हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में घनानंद की चारों पद, चार या पांच जो भी छंद संकलित किए गए हैं सरयू में, वो पढ़ने वाले हैं। तब तक आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
अगर सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दिखाएं ज़रूर, ताकि मुझे ध्यान रहे कि आप और किस तरीके के वीडियो चाहते हैं। थैंक यू। बहुत जल्दी घनानंद की कविताओं पर भी वीडियो आने वाला है। धन्यवाद।